थोड़ा कैमरा हटाओ ना पेट नहीं पेट लग रहा है नहीं मत देखो तुम बोले ना मेरा पेट नहीं है तो थोड़ी देर पचका के रखो जाओ अब मैं ऐसे यहीं रहेगा कैमरा एक खोज रहे हो क्या? Yes. शूज में बाहर रख दी थी तुम्हारा वाओ ऐसी चचा समा लगा के एकदम मस्त लगोगे स्टाइल मार रहे हैं इनको जाना है पार्टी में अभी रात के बज रहे हैं 9 और मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं बोल रहे हैं कि तुमको नहीं बुलाया है सब तो देखो मैं कितना भी बोली मत जाओ मत जाओ चश्मा तो खोल लो यार दीदी कॉल कर रही है रुको थोड़ा बात कर लेते हैं उनसे सो गाइज मैं अपने लिए कुछ बनाने वाली तो हूँ नहीं अब ये बार पार्टी में जा रहे हैं तो वैसा तो है नहीं कि मैं अब घर में खाना बनाऊँगी और खाऊँगी तो ये मेरे लिए खाना ऑर्डर किए हैं और मैं सोच रही हूँ कि वही खा लेती हूँ सोचना क्या है इसमें खाना ऑर्डर हुआ तो ऑफकोर्स खा ही लूँगी ना तो आराम से खा लेती हूँ बस अपना डिनर इन्जॉय करूँगी और ये अपना पार्टी इन्जॉय करेंगे और ये अपने किसी फ्रेंड का ऑफिस से किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जाने के लिए और मैं भेजने के लिए बैठी हूँ तो बताइए आप कब आएंगे अपनी पार्टी से 2 बजे का टाइम है खत्म होने 9 बजे रात से 2 बजे रात तक कौन सा पार्टी होता है भाई इसमें जल्दी ट्राई करूंगा आने का पेट पेट देख रहे हो अंकल जी बनते जा रहे हैं है ही नहीं पेट आप पचका लिए देंगे और अंदर कर लो एकदम सांस रोक लो पूरा का पूरा ऐसे मैं डेली बोलती हूँ जिम ज्वाइन कर लो बट इनका क्या ही बोलूँ अब एक तो इनका ऑफिस का भी ऐसा है कि कभी मॉर्निंग रहता है कभी शाम वाला शिफ्ट रहता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि कौन सा टाइम पे ज्वाइन करें यार जिम को ये भी एक इशू है थोड़ा कैमरा हटाओ पेट नहीं पेट फुला दे नहीं ऐसे रखो तुम्हारा तुम बोले ना मेरा पेट नहीं है तो थोड़ी देर पचका के रखो जाओ अब मैं ऐसे यहीं रहेगा कैमरा 1 घंटे तक अभी हाँ अब आपको मालूम चल गया होगा कि सारे शॉर्ट्स में ऐसे क्यों रहते हैं इसलिए रहता ताकि इनका पेट ना दिखाई दे मैं जा रही हूँ अपना पिज्जा एंजॉय कर जो मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया हो ना मैं जा रही हूँ वही खाने तुम जाओ अपना जाके जो भी खाओ ना मोटी हो जाओगी मैं मोटी मैं तो थोड़ी चबी चबी चिक्स है मेरे बट मैं मोटी नहीं हूँ है ना गाइस मैं हूँ बहुत पतली सी बट मेरे चिक्स चबी चबी हैं तो मैं क्यूट हूँ उसको क्यूट बोलते हैं खुद खुद को कौन क्यूट बोलता है मैं ठीक है थोड़ा हटो अब तक क्या कितना देना गाइज अब चलते हैं ऊपर और मैंने अपना खाना पीना खा लिया है मतलब जो मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था वो खा लिया है और अभी IPL चल रहा है इसको मैं बंद करने वाली हूँ क्योंकि मुझे IPL में कोई इंटरेस्ट नहीं है सनी देख रहे थे वेयर इज रिमोट पहले इसको बंद कर लेते हैं मैं फिर कॉल कर लेती हूँ मैं कुछ मूवी वगैरह देखूँगी इतनी हर बारी में ये रहते हैं ना AC वगैरह सब ऑन करके बाहर चले गए थे सो अभी थोड़ा सा रूम क्लीन कर लेती हूँ मैं क्योंकि ये जाते हैं ना कहीं भी तो पूरा ये कपड़ा उधर कुछ उधर कपड़ा चप्पल जूता सब यहाँ वहाँ हो जाता है एंड पता है आज क्या हुआ इनको जाना जिस पार्टी में जाना था ना तो वो कितनी बार कैंसिल हुआ फिर बना फिर कैंसिल हुआ फिर बना एक्चुअली आज कुछ इफ्तार पार्टी है मे बी वही है मुझे अच्छे से पता नहीं इफ्तार पार्टी टाइप ही है सो ये गए हैं अपने फ्रेंड के साथ
सो मैं जा रही हूँ कुछ मूवी वगैरह देखूँ क्योंकि मुझे अकेले अभी मैं बोर होने वाली हूँ 2 घंटे तक, क्योंकि 2-3 घंटे बाद ही आने वाले हैं। वो बोले हैं कि वैसे अभी टाइम ऐसा हो रहा है 9:30, वो बोले अगर तुम्हें नींद आएगी तो तुम सो जाना, अगर नहीं आएगी तो मूवी वगैरह देखना, मेरा वेट कर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो अभी हो चुका है सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं फटाफट से उठ गई हूँ लंच बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज लंच के लिए बना रही थी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मटर हम लोग यूज़ करते हैं यही वाला फ्रोज़न वाला जो मटर आता है ना, उसको यूज़ करते हैं एंड इसको बस 10 मिनट रखती हूँ पानी में तो फिर सही हो जाता है, मुलायम हो जाता है। एंड पनीर भी फ्रोज़न वाला ही यूज़ करते हैं इसको, मतलब अगर आप 4-5 पैकेट अगर घर में ला कर रख दे रहे हो ना तो 2-3 महीने तक ये आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। सो बस चाय वाय हो गया हमारा, पहले मैं गर्म पानी पी थी उसके बाद मैं चाय बनाई। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप पनीर कितना सॉफ्ट हो गया है, ये ऐसे ही मतलब कटा हुआ पनीर आता है स्क्वायर शेप में, इसको बस हल्का सा बॉईल करना होता है और ये काफ़ी अच्छा हो जाता है बॉईल करने के बाद, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। सो बस यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ मैं ताकि उसको अच्छे से फ्राई कर लूँ पनीर को। एंड आप बताना गाइस मटर पनीर की सब्ज़ी आप कैसे बनाते हो, मैं तो बहुत नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। एंड पता है आज सुबह तो बिल्कुल मेरी नींद खुली नहीं रही थी क्योंकि कल रात को ना बहुत लेट सोई थी, मतलब 1-1.5 बज गए थे फिर सनसनी का वेट करते करते, और वो आए थे लगभग 2 या 2:15 में आए थे हाँ, और वो तो अपना की लेके गए थे ना, तो पता है रात में क्या हुआ, मैं तो सो गई थी तो वो अपना आए की खोले और मेरे को डराने का ट्राई कर रहे थे कि देखती हूँ डरती है नहीं, बट मुझे तो मालूम था कि वही आने वाले हैं तो मैं नहीं डरी थी, तो उनका प्लान हो गया था पूरा फ्लॉप। तो वो बोल रहे थे अरे यार तुम तो डरी ही नहीं, मैं डराने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद फिर वो आए तो थोड़ा बात बात की, देन फिर सोते सोते हो गया 3 बज गए और सुबह फिर नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है, और उठी हूँ गाना वाना बजा दी हूँ भजन, सुबह से मेरी आदत है भजन लगा के सुनती रहती हूँ, तो बस वही लगा के थोड़ा इन्जॉय कर रही थी ताकि मेरी नींद खुल जाए। एंड यार सो के उठने के बाद ना फिर खाना पीना बनाओ, दिन वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आवाज़ आप मेरी देख रहे हो वॉइस ओवर में कितनी अजीब सी आ रही है, बिल्कुल अभी भी नींद में ही हुआ है। सो बस उठी हूँ फटाफट से, अभी काम वाम में लग गई हूँ एंड फिर सनी उठेंगे देन चाय वाय पियेंगे। अभी तो मैं एक ही बार चाय बनाई हूँ ताकि बस अपने लिए चाय बनाई हूँ मैं, और सनी उठेंगे फिर दोबारा से चाय बनाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। एंड बस यहाँ पे अनियन वगैरह काट के रख ली थी मैं ताकि फटाफट से फ्राई कर लूँ। पता है क्या होता है, मैं ट्राई करती हूँ ना जब भी मैं नॉनवेज बनाऊँ या फिर कुछ पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ देन अनियन ना मैं रात को ही कट कर लेती हूँ ताकि दिन को फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह सुबह यार नींद में एक तो नींद आता रहता है ऊपर से फिर अनियन कट करो आंसू आंसू पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि अनियन को रात को ही कट करके रख लेती हूँ और बस सारे मसाले अनियन को जो फ्राई कर लेंगे तब डाल देंगे, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर एंड सब्जी मसाला गर्म मसाला सब कुछ को डाल देंगे। एंड तब तक ना मैंने साइड में क्या किया था कि जो हमारा मटर है उसको मैंने डाल के रखा था पानी में ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जो फ्रोज़न मटर था हमारा। यहाँ पे मैं डाल रही थी अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमारा मसाला है वो लगभग अब थोड़ी देर में हो ही जाएगा, 10 मिनट में फ्राई हो जाता है ये। उसके बाद फिर हम डाल देंगे सब मटर और पनीर और साथ में दोनों को फ्राई कर लेंगे एंड डाल देंगे उसके बाद फिर नमक अपने स्वाद के अनुसार। एंड गाइस अभी ना इस बार ना मैं जो नमक का पैकेट लेके आई हूँ ना वो डब्बे में नहीं दिया और ना ही किसी पॉलीथीन वाले पैकेट में दिया, इस बार जो ये नमक है ना ये क्या बोलते हैं इसको, जो पैकेट है ना ये कागज़ वाला पैकेट है, तो मुझे इसको डब्बे में डालना है और डब्बा एक्स्ट्रा मेरे पास है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को जाऊँगी लुलू तो डब्बा लेके आऊँगी, और मुझे आज कुछ कुछ सामान लाना है लुलू से, लाइक फ्रूट्स वगैरह लाने हैं एंड कुछ वेजिटेबल्स भी लानी है, तो आज देखती हूँ शाम को लुलू चली जाऊँगी मैं जब सनी आ जाएंगे उसके बाद। हाँ तो बस अभी हो गया था टाइम मॉर्निंग का, आई थिंक 7 बज गए थे और सनी को निकलना होता है 7:30 क्योंकि उनका ऑफिस होता है 8:30 से, तो मेट्रो से जाते जाते 1 घंटे लग ही जाते हैं। जब उनको कभी कभी लेट होता है ना तो वो कैब कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो मेट्रो ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सही होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको 2 मेट्रो चेंज करना होता है प्लस 1 बस चेंज करना होता है क्योंकि बहुत दूर है जो उनका ऑफिस है ना, वो मतलब 1 घंटे लग ही जाते हैं ये सब करते करते।
और सब्जी जो है हमारी वो बन की हो गई है तैयार। सो अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सही लग रही है हमारी सब्जी। सो गाइज यहाँ पे जो है वो मेरी सब्जी अप्रॉक्स तैयार है बनके, और अब बस पूड़ियाँ बनानी है क्योंकि आज इनको सब्जी के साथ पूरी खाने का मन है। तो मैं कचौड़ी तो मैं पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, आटा लगा के मैंने रख लिया है। सो अब चलते हैं पूड़ियाँ बनाते हैं, फटाफट से लंच पैक करना है, ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या खाएँगे, आई डोंट नो। हाँ तो अभी तो मेरी नींद इसी में खुल जाती है, खाना बनाने मेरी नींद खुल जाती है। जब उठती हूँ तो मन नहीं करता बिल्कुल कुछ काम करने का, बट जब खाना बनाने लग जाती है ना तो नींद अपने आप खुल जाती है, एकदम हवा हो जाती है। गाइस तो अभी इवनिंग का टाइम है और हम जा रहे हैं थोड़ा सा लूलू, क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है एंड आलू प्याज सब नहीं है तो वही सब लेना है। अब मैं सोच रही हूँ रात को एसी ऑफ ऑफ करके सोऊंगी, नहीं ऑन करूँगी, क्योंकि सुबह से ना मेरा अजीब सर में हेडेक हेडेक जैसा हो रहा है दिन भर। आज हम चलते हैं की ले लीजिए। भाई इतना सामान लेके कैसे जाएंगे हम लोग? हाँ हम कुछ धकेल ले लेके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हैवी नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है और हम आ गए काउंटर पे। तो ये होगा या तो फिर दस हजार का मेरा पैसा पर नहीं, दस का सब है ना। तो फाइनली अपनी शॉपिंग हो गई है, बाहर हो चुका है पूरा अंधेरा, आई डोंट नो इतना सारा सामान कैसे जाएगा, कैब करूँगी या फिर देखती हूँ लेके जा पाती है। इनको बोली कि चलो चलते हैं ऐसे ही हाथ में लेके, बट इनसे उठा नहीं है तो भी कैब बुक करके जाना पड़ेगा। तो अभी कैब का वेट हो रहा है, देखते कब तक आते हैं।